यूपी के जनपद रायबरेली में रविवार को सदर विधायिका अदिति सिंह का रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन द्वारा भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। वहीं इस दौरान अदिति सिंह ने कहा, मैं सभी संगठनों के साथ मीटिंग कर रही हूं और जिस संगठन को कोई समस्या है वो हमें बताएं, उसका निस्तारण किया जाएगा। रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन टीम ने अदिति सिंह का भव्य तरीके से और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विधायिका ने कहा, अगर आप लोगों की कोई समस्या हो तो हमें बताएं, आप सब लोग संगठित रहें और कोई भी छोटी सी छोटी समस्या हो तो हमें बताएं। अदिति सिंह ने सभी कोचिंग एसोसिएशन के सदस्यों से अनुरोध किया कि राम मंदिर निर्माण में अपनी स्वेच्छा से दान करें। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस विधायिका अदिति सिंह एक बार फिर बगावत करती दिखी और सांसद सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए सोनिया गांधी को नसीहत तक दे डाली। अदिति ने कहा, पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में चुनाव जीतने के बाद सिर्फ दो बार आई थी सोनिया गांधी, वहीं 2019 के चुनाव में नामांकन के बाद सिर्फ एक ही बार अपने संसदीय क्षेत्र आई हैं। जनता ने चुनाव जितवाया और अब ऐसा हाल, जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगी। हाल ही में पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के सवाल पर कांग्रेस विधायिका अदिति सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष व रायबरेली सांसद सोनिया गांधी को नसीहत का पाठ पढ़ाया। आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस की सदर विधायक अदिति सिंह ने। रायबरेली में एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें कांग्रेसियों ने इस बात को कहा कि वो कांग्रेस से खफा चल रहे हैं और अगर यही हाल रहा उच्च कमान का और रायबरेली के कुछ जयचंदों का उन्होंने जिक्र किया, तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस जैसे अमेठी में हार गई वैसे रायबरेली में भी हार गई। क्या मानती है आप, कांग्रेस से विधायक है, आपके क्या सोच है इसको लेकर? अगर मैंने कभी भी अपने जो ख्यालात हैं या जो मेरे ओपिनियंस हैं या जो मेरी आइडियोलॉजी है कभी उसको छुपाया नहीं, ना तो कभी मैंने दब दब किया। मैं यहाँ की विधायक हूँ, मैं चुनिंदा हूँ, इलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, तो मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपनी जो आम जनमानस है रायबरेली का उनको खुश रखूं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण। जहां तक पार्टी की बात है तो सबसे बड़ा दुख, सबसे ज़्यादा दुख मुझे ये देख के होता है कि इस क्षेत्र की माननीय सांसद महोदया जब से सांसद बनी है, पिछले पंचवर्षीय में भी दो ही बार आई हैं, इस पंचवर्षीय में तो शायद चुनाव के बाद एक बार आई हैं। बात उसकी नहीं है कि किस पार्टी का सांसद बनता है या विधायक बनता है या पार्षद बनता है या नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, जिला पंचायत, बात उसकी है कि कम से कम जो भी बना है आप उस नेतृत्व की इज्जत करें, अपनी जनमानस की जो आपको जनता ने वोट दिया उसकी इज्जत करें, कम से कम आके उनके हालचाल तो लें। ये पार्टी लाइन से अबव की बात है, ये बात पार्टी लाइन की नहीं है। कम से कम अगर आपको यहाँ इतने 3.5 लाख वोट से विजय प्राप्त हुई है तो कम से कम आप एक बार आके अपनी उस जनता का हालचाल तो लें जिसने आपको जिता के विजयी बनाया है। मैं हर उस नेता की इज्जत करती हूँ, चाहे वो जिस पार्टी से हो, जो अपनी जनता में पकड़ रखते हैं, अपनी जनता की सुनवाई करते हैं, अपनी जनता की समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। बात पार्टी की।